हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम तुलु के बारे में पढ़ेंगे, एट शेड्यूल ऑफ द इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तुलु न्यूज़ में क्यों है? हमारा एट शेड्यूल ऑफ द इंडिया, आप सबको पता है कि इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारी, एट शेड्यूल ऑफ द इंडिया में, एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। संस्कृत जैसी लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज में हमारी आती हैं, जिसके कुछ हज़ारों में ही स्पीकर्स हैं, और तुलु जैसी लैंग्वेजेस जिनके लाखों में स्पीकर्स हैं वो एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते। तो इस वजह से एक लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे डिबेट छिड़ी जा रही है कि तुलु के लाखों में स्पीकर्स होने के बावजूद भी इसको एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए, क्यों नहीं डाला जा रहा। तुलु कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हमारी, ना किसी देश में। तुलु एक द्रविडियन लैंग्वेज है जिसके स्पीकर्स बेसिकली केरला कर्नाटका में हैं, लेकिन जो रीजन है जिसमें तुलु बोलते हैं उसको तुलुनाडु भी नाम दे दिया जाता है कई बार। ये 14 टू 15 सेंचुरी एडी तक इसके इंस्क्रिप्शंस जो है पाए गए हैं, कि उस वक्त तक इसके इंस्क्रिप्शंस थे, उस वक्त में भी ओल्डेस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन इसके पाए गए हैं। अब इसके से रिलेटेड एक प्रोक्लेमेशन जो न्यूज़ में रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के द्वारा जो चाइना में हुआ था, यूएलए प्रोक्लेमेशन जिसको बोलते हैं, बेसिकली इसमें बात की गई थी कि जो देश हैं और जो कंट्रीज़ हैं उनके जो रीजन्स हैं उनके सराउंडिंग लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज को बचाया जाए, डाइवर्सिटी को बचाया जाए, है ना। तो एक तरीके से ये इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, यूनेस्को ने चाइना में इम्पोर्टेंस बताया था कि जो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि काफ़ी सीमित लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, माइनॉरिटी की जो लैंग्वेज होती है उनको बचाना ज़रूरी है। और इसका ही इम्पोर्टेंस एक बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2019 में इसकी इम्पोर्टेंस जताते हुए 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज करार दे दिया गया था। 2019 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि दुनिया भर में चारों तरफ से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक जो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस है उनको बचाने की बात की जाती है, प्रिजर्व करने की बात की जा रखी है। और ये दुनिया की बात छोड़ो ना, भारत की बात करूँ मैं तो, देखो भारत की अगर मैं बात करूँ तो हमारा आर्टिकल 29 क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 29 में कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की जाए। कोई भी सिटीजन्स देश में किसी भी जगह रह रहे हो, कोई भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट और कल्चर हो कंजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि सिटीजन की जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी दोनों की है, सिटीजन भी अपनी लैंग्वेज को बचाने का प्रयास करे और राज्य भी, सरकार भी अपना जो लोगों की लैंग्वेज है उनको बचाए रखने का प्रयास करें। अगर मैं बोलूँ तुलु की, तो तुलु के 18 लाख नेटिव स्पीकर्स हैं इंडिया में, और मणिपुरी और संस्कृत से ज़्यादा इसके ज़्यादा स्पीकर्स हैं। और मणिपुरी और संस्कृत दोनों लैंग्वेजेस एट शेड्यूल में है और इसके स्पीकर्स तुलु से कम है। तो आयरनी की बात है कि ये लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन का एक उदाहरण हमारे सामने है। तुलु को कई बार वन ऑफ द मोस्ट हाई डेवलप्ड लैंग्वेजेस ऑफ द द्रविडियन फैमिली भी बताया गया है। तो यूएलए प्रोक्लेमेशन की हमने बात की, इतना जान लो कि यूनेस्को में 2018 में चाइना में हुआ था ये, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात की थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्टेट्स और गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के, ठीक है। तो कुछ खास ऐसा इसमें था नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। अगर किसी भी लैंग्वेजेस को एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। माफ़ करना, यहाँ पे इसको ढंग से पैराग्राफ में डाला नहीं गया है, हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। देखो, साहित्य अकादमी की तरफ से इसको रिकॉग्निशन मिल जाता है, इसकी तुलु लैंग्वेज में जो भी किताबें होंगी उनको ट्रांसलेट किया जा सकता है और भाषाओं में। सांसद और विधानसभा जो सांसद हो गए आपके, MLA हो गए, MP हो गए, ठीक है, ये सब जो है तुलु में बोल सकते हैं संसद में और विधानसभाओं में। और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, जैसे आपका CAC का एग्ज़ाम हो गया, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो गया, तो वो आप तुलु लैंग्वेज में भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आप इंडिया के एट शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज में किसी में भी दे सकते हो मेंस का। स्पेशल फंड्स मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और तुलु की जो है टीचिंग भी हो सकती है प्राइमरी और हाई स्कूल में। तो ये चीज़ हमारे सामने है। तो अगर हम देखें तो यूले प्रोक्लेमेशन से हमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, हमको लैंग्वेजेस को जो है, जो लैंग्वेज वास्तव में डिजर्व करती हैं उनको, सारी लैंग्वेजेस को बराबर लाना पड़ेगा और लैंग्वेजेस के, इससे इनइक्वालिटी घटती है, लोग आगे बढ़ते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है डिसीजन मेकिंग में।
एट शेड्यूल ऑफ इंडिया की, अगर एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूँ तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की इसमें लिस्ट होती है, करीब 22 लैंग्वेजेस हैं, पहले 14 थी जब ये निकली थी, हालांकि अमेंडमेंट्स करके 8 न्यू लैंग्वेजेस और जोड़ दी गई तो टोटल 22 होंगी। 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं आपको याद रखनी है, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथल। 14 लैंग्वेजेस थी, 8 अमेंडमेंट्स के जरिए ऐड की गई है। क्लासिकल लैंग्वेज की हम बात करते हैं, बेसिकली इस तुलू से रिलेटेड क्लासिकल लैंग्वेज है नहीं, लेकिन जब फिल्म्स के लिए ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लैंग्वेज न्यूज़ में है तो एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता चल गया। क्लासिकल लैंग्वेज की मैं बात करता हूँ, 2004 में भारत सरकार ने ये कहा, डिक्लेयर किया कि जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स अगर वो पूरा करती हैं तो उनको क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया जाएगा। हालांकि इन भाषाओं का जो ये जो दर्जा है ये केवल कुछ ही भाषाओं को अब तक मिला है, कुछ ही भाषाओं को क्लासिकल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि बहुत ओल्ड होनी चाहिए, इसके एंशंट लिटरेचर टेक्स्ट होने चाहिए जो कि हाईली वैल्यूएबल हेरिटेज होनी चाहिए उनकी, किसी से उधार, किसी से बोरोड नहीं ली हुई होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, और जो है अभी मॉडर्न लिटरेचर से बिल्कुल अलग भी हो सकती है। तो ये क्राइटेरिया को याद हो या न हो, जो लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज में आती हैं, चार जो लैंग्वेज है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये आपको याद रहनी चाहिए, एट शेड्यूल भी आपको याद रहना चाहिए। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।